और इस वक्त एक बड़ी खबर है, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना, चलिए सुनते हैं। भारत सरकार ने तो रोक लगा रखी है, खुलता ही नहीं। वो तो 200 रुपए पेंशन देती है सिर्फ, वो भी नहीं आ रही है। सारा पैसा राज्य सरकार उठा रही है बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन में, 90 लाख लोगों का। हम पेंशन देते हैं 750 रुपए, 1000 रुपए, 1250 रुपए, 1500 रुपए। तो राजस्थान तो मॉडल स्टेट है पेंशन देने के मामले में। अब विकलांग जो लोग हैं उनमें भी दिक्कत आ रही है, 3 लाख लोग विकलांग सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का रूल्स रेगुलेशन ऐसा है कि विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। तो मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि ये 3 लाख लोगों के विकलांग सर्टिफिकेट बने, इसकी कुछ भी करो, तैयारी करो, और मुझे इस पर रिपोर्ट चाहिए कि 3 लाख लोग विकलांग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके इसलिए नहीं बन पा रहे कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन बड़ी अजीब सी है। अब उसमें कैसे कर सकते हो, डायरेक्शन सब दिए। ओवरऑल पब्लिक में, पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है, जो इन जितने विभाग बैठे 21 से ज्यादा प्रशासन, गांव के संघ और शहर के संघ अभियान में, उनको दूर करने के लिए आज ये रिव्यू मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने ली और उसमें ये निर्णय लिया, सबको डायरेक्शन दी, और उनका वो जल्दी दोबारा मीटिंग करेंगे, लेकिन उसमें उनको रिजल्ट चाहिए और टाइम बाउंड प्रोग्राम उन्होंने मांगा है। ये सारा मीटिंग आज मंत्रिमंडल की मीटिंग में होगा। कंप्यूटर सहायक को लेकर भी बिल्कुल, कंप्यूटर सहायक को लेकर डिस्कस हुआ, उसमें 9000 से ज्यादा पद का मामला सामने आया और उसको लेकर सारा डिसीजन मैं आपको अभी लिखित में दे दूंगा। ये तय हुआ कि भाई 9000 से ज्यादा पद खाली है, उनको भरा जा सकता है। उसमें ये भी बात आई कि पहले से कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, मंत्रियों ने बात भी रखी, तो उस पर बड़ा डिसीजन हुआ है और उस डिसीजन के तहत हम कैसे क्या करेंगे उनकी भर्ती तय हुआ। कोविड को लेकर गाइडलाइन जारी होगी, कोविड को लेकर मुख्यमंत्री जी ने बहुत जबरदस्त चिंता व्यक्त की है और हमको सबको कहा कि ओमिक्रॉन का भार विदेशों में बहुत जबरदस्त खतरनाक मामला सामने आ रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि इसको सीरियस लेने की जरूरत है। गहलोत साहब खुद कह रहे थे कि आप सीरियस लो इसको, और मंत्रियों हमको भी कहा, मेरे को भी कहा कि आप भी इसको सीरियस लो। कोई सीरियस नहीं ले रहा है, सीरियस नहीं लेंगे, कभी भी ये कैसा भी रूप ले सकता है, सावधान रहने की जरूरत है और इसको लेकर तो हमेशा चिंतित रहते हैं। थैंक यू। तो गहलोत, मंत्री परिषद की बैठक थी और उसके बाद, इस बैठक के बाद सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और अब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे रहे थे। प्रशासन, गांवों के संघ, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी है उसके बारे में यहां पर बोलते हुए नजर आए और सीएम गहलोत की अध्यक्षता में बैठक थी, उसके बारे में भी प्रेस को संबोधित करते हुए